आज 16 फरवरी है और अलग अलग ट्रेड यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था भारत बंद का, और साथ ही साथ जो किसान संगठन है उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम ग्रामीण भारत को बंद रखेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में बस स्टैंड पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार आवाजाही है वो बनी हुई है। ये करनाल का बस स्टैंड है जहाँ पर अलग अलग स्थानों के लिए बस मिलती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र के लिए भी बस खड़ी है, साथ ही साथ यूपी के इलाकों के लिए भी बस खड़ी है, यहाँ से दिल्ली के लिए भी बस जाती है, साथ ही साथ कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के लिए भी बस जाती हैं, और लगातार बसें चलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बंद का आह्वान किया गया था उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। अगर आपको दिखाना चाहें कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो भी तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई ट्रेड यूनियन आती है तो उसको रोका जा सके, यहाँ पर पुलिस कर्मी भी तैनात हैं और लगातार बसों की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे, चाहे बाजार की बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, या बस स्टैंड की बात करें, या सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहाँ पर बंद का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ट्रेड यूनियन की तरफ से कल एक रैली भी निकाली गई थी और अलग अलग सरकारी दफ्तर में भी वो गए थे ताकि कर्मचारियों को कन्विंस किया जा सके कि आप बंद में शामिल हो, लेकिन कर्मचारी बंद में शामिल होते हुए इतने नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं आम पब्लिक रोज़ाना की तरह अपने काम पर जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। हालांकि जिस असर की बात की जा रही थी वो असर बस स्टैंड पर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बाजार में भी वो असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की, तो उन्होंने ऐलान किया है कि 12 से 3 बजे तक वो टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे, यानी कि वहाँ से जो गाड़ियाँ जाएंगी वो बिल्कुल फ्री जाएंगी, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात होगी। और जो किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर इस वक्त बैठे हैं उनकी सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग भी होती है, चर्चा भी होती है, और वो मीटिंग देर रात तक चलती है, लेकिन वहाँ पर कोई हल निकलता हुआ अभी नज़र नहीं आया है। रविवार को एक बार फिर से मीटिंग है। फिलहाल जो ट्रेड यूनियंस और अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था वो बंद का ऐलान का जो असर है वो यहाँ पर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग रोज़ाना की तरह बाज़ार में जा रहे हैं, लोग रोज़ाना की तरह अपने काम पर जा रहे हैं, स्टूडेंट रोज़ाना की तरह पढ़ाई करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।